स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द टेक ऑटो पर। आज द टेक ऑटो टीम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर पहुंच चुकी है और यहां से हम आपको लाइव दिखाएंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में, कितना काम इसका हो चुका है और अभी तक कितना काम चल रहा है और स्ट्रक्चर कितने बनना बाकी रह गए। और अभी फिलहाल हम मेहोना गाँव के पास खड़े हैं, चैन 230/50 पर खड़े हैं और यहां से आप देख सकते हैं जैसा कि पीछे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे गया है। यहां से हम आपको लाइव दिखाएंगे इसके बारे में कितना ये मज़ेदार बन रहा है, कितना अच्छा बन चुका है। अभी तक वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, आपसे गुजारिश है कि लास्ट तक जरूर देखें से, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दिखाते हैं आपको। अब हम लोग स्टार्ट पॉइंट से 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ काम चल रहा है काफ़ी ज़ोरों शोरों से। ये जो पीछे बन रहा है ये माइनर ब्रिज बन रहा है और आपको दिखाएंगे कितना काम हो चुका है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए अगल बगल यहाँ खेत भी है, देख सकता है आपको। यहाँ की जो खेत हैं उनकी लैंड वैल्यू इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से काफ़ी बढ़ गई है। जो पहले 1-2 लाख के आते थे, 1-2 लाख रुपये में बिक रहे थे, वो अब 10-10 लाख में बिक रहे हैं ये एक्सप्रेस वे ने। क्योंकि आपको पता है कि बुंदेलखंड का स्वर्ग कहा जाने वाला ये एक्सप्रेस वे लगभग 296 किलोमीटर लंबा है और इसमें काफ़ी ब्रिज बन रहे हैं, माइनर ब्रिज हैं, टोल प्लाजा भी हैं। ये देख सकते हैं यहाँ फैक्ट्री एरिया भी, यहाँ काम चल रहा है सारा। ये देख सकते हैं मशीनें लगी हैं, सारा काम हो रहा है यहाँ से, यहाँ पूरा काम चल रहा है। और आपको नीचे दिखाते हैं कितना काम चल रहा है और कितनी रफ्तार से काम चल रहा है। हो सकता है इसी साल इसका उद्घाटन हो जाए, क्योंकि जो अधिकारी हैं, मैंने अधिकारियों से बात की थी तो वो बता रहे थे कि नवंबर में इसका उद्घाटन होना है। वैसे भी ऑफिशियल अगर आप यूपीटा की साइड में देखते हैं तो ऑफिशियल साइड में भी यूपीटा ने लिखा कि नवंबर दिसंबर में इसका उद्घाटन हो जाएगा। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप देख सकते हैं ये माइनर ब्रिज का काम चल रहा है और आपको दिखाते हैं कितना कैसा काम चल रहा है, कितनी स्पीड से काम चल रहा है। ये देखिए कितना स्पीड से काम चल रहा है। वैसे जैसे आपको पता होगा कि इस एक्सप्रेस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे 882 कुल स्ट्रक्चर बनने हैं, जिसमें से अभी लगभग 753 बन चुके हैं। क्योंकि एक्सप्रेस वे की सड़क अलग तो बन जाती है, लेकिन जो टाइम लगता है एक्सप्रेस वे के बनने में, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है स्ट्रक्चर। जैसे माइनर ब्रिज हो गए, मेजर ब्रिज हो गए, जो पुल उल बनते हैं, थोड़ा अभी यमुना ब्रिज भी बनने हैं, तो ऐसा इसलिए टाइम लग जाता है। और आप लोग देखते हैं कितनी मेहनत से लोग काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत तो हम लोग से भी नहीं होती है, दिन रात इन लोग मेहनत लगे रहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे आपको एक नया स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर बने रखे हैं जो यमुना ब्रिज में लगने हैं, और तकरीबन यूपीटा के मुताबिक इस एक्सप्रेस वे का लगभग 74% काम हो चुका है और बचा हुआ काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आपको पता ही होगा क्योंकि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 7 जिलों से होकर गुजर रहा है, जिसमें चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, औरैया, जालौन, इटावा आता है। इस क्योंकि बुंदेलखंड का जो इलाका है हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे पिछड़े इलाकों में शामिल होता है, इसलिए इस एक्सप्रेस बन जाने से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जो हम लोग बाहर जाते थे, बाहर से लोग आते थे बुंदेलखंड होने, बुंदेलखंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो प्राचीन महत्व रखती हैं, तो उनको देखने के लिए जो लोग आते थे वो यहाँ आसानी से आ नहीं पाते थे। तो आप इस एक्सप्रेस बन जाने से उन लोग आसानी से आ जा सकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्ट्रक्चर यहाँ बने रख चुके हैं और अब इनका लगना सिर्फ बाकी रह गया है। अभी इस टाइम हम लोग काफ़ी जो जहाँ पर हैं काफ़ी ऊंचाई पर खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं ये नज़ारा, काफ़ी जो इसका व्यू है काफ़ी शानदार है व्यू। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनने हैं वो भी लगने हैं और आगे काम तो बड़ी तेज़ी चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाएंगे और आगे क्या क्या बन रहा है, क्योंकि अभी तो हमने पीछे माइनर ब्रिज आपको दिखा दिया है, अब आपको एक मेजर ब्रिज भी दिखाना है, वो मेजर ब्रिज कितना बन रहा है और कब तक बनेगा। चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं, आगे हम जो यहाँ के काम करने वाले हैं, जो यहाँ की देखरेख करने वाले हैं एक्सप्रेस वे की, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए आगे दिखाते हैं। जैसा कि आपने पीछे देखा था
जो पीछे स्ट्रक्चर रखे थे वो स्ट्रक्चर इसी पुल के लाइन बन रहे हैं और हम उसी पुल पे खड़े हैं जिसका निरीक्षण योगी आदित्यनाथ जी ने मार्च 2021 में किया था। और उनका निरीक्षण कर जाने से इसका काम बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हो गया और आप देख सकते हैं कि ये लगभग बनकर तैयार हो चुका है और जो थोड़ा बहुत बाकी काम बचा है वो रह गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ काम चल रहा है काफ़ी। पीछे जो आपको देख सकते हैं आरके इन्फ्रा दिख रहा है, आरके इन्फ्रा कंपनी ने स्ट्रक्चर बनाने काम लिया है। चलो अब आपको दिखाते हैं और ये देखिए आप, ये हम लोग खड़े हैं यमुना पुल पे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये यमुना नदी है और यहाँ का व्यू देखिए काफ़ी शानदार है। पीछे नीचे जानवर भी दिखाई दे रहे हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं आप। वैसे तो दोस्तों काफ़ी सारे पुल बने हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में, लेकिन ये यमुना वाला पुल काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि खुद योगी जी यहाँ आए हैं तो काफ़ी अब इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गई है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी बराबर जो यूपी टाक के हमारे जो CEO हैं यानी अवनीश कुमार अवस्थी जी, उनसे बराबर निरीक्षण करने को कहते रहते हैं और वो खुद हमेशा लगातार निरीक्षण करते रहते हैं जिसकी वजह से इसका काम बड़ी तेज़ी चल रहा है। अगर वो निरीक्षण नहीं करेंगे तो उसका काम स्लो हो जाएगा क्योंकि इसको नवंबर में अगर उद्घाटन होना है इसका, इस चक्कर में इसका काम चल रहा है तेज़ी से। हम लोग लास्ट पॉइंट में जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे वहाँ कितना काम रह गया। हम लोग लास्ट का किनारे एक साइड काम आप दिखा चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीच में भी थोड़ा बहुत काम रह गया है इस पुल का जो लगभग हमें लग रहा हो जाएगा, 5-6 दिन का काम बचा है इसका। आपको बता दें जो ये जो यमुना नदी है ये बुंदेलखंड की शान है ये, क्योंकि इससे बड़ी नदी यहाँ से तो वैसे तो काफ़ी सारी नदियाँ निकली हैं, बेतवा निकली है, कैन निकली है, लेकिन जो यमुना नदी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ की। वैसे तो इसका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा था लेकिन क्योंकि पता है आपको इस साल बारिश कितनी ज़्यादा हुई, बारिश से बाढ़ भी आई, उस बाढ़ के चक्कर में जितनी तेज काम होना था उतनी स्पीड में काम हो नहीं पाया, लेकिन अब बारिश ख़त्म हो चुकी है तो उस काम में रफ्तार पकड़ ली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में हैं और हम लोग एक दूसरी साइड पे आ चुके हैं जहाँ देख सकते हैं आप लोग काम चल रहा है। ये एक्सप्रेस वे है ऊपर जो दिख रहा है, यहाँ पर हम कुछ सर्वे इंजीनियर हैं, उनसे आप बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसमें इस एक्सप्रेस बनने में कितना टाइम लगने वाला है और कब तक बन जाएगा। चलिए बात करते हैं, तो आप क्या काम करते हैं? सर्वे इंजीनियर। अच्छा, तो इसका मतलब आपको क्या लगता है कब तक इसे बन जाएगा? ये बारिश की वजह से थोड़ा काम रुक गया है, बाकी बारिश दो तीन महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा, 85% काम कंप्लीट है और लास्ट जनवरी तक ये हम हैंडल कर देंगे। अच्छा, तो मतलब जनवरी तक का कहते हैं पूरा कंप्लीट हो जाएगा और गाड़ियाँ दौड़ने लगेंगी? हाँ, जनवरी तक इस पर काम कंप्लीट हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचेगा वो चलता रहेगा, बाकी जनवरी तक हैंडल हो जाएगा। उद्घाटन इसका वैसे तो हमें मुझे लगता है मोदी जी आएंगे करेंगे। हाँ वो सही है, लेकिन यहाँ ये वाला कंप्लीट हो जाएगा और भी रिच है वो अपने अपने हिसाब से कब। अच्छा, ये सर ये रिच हो जाएगा जनवरी में, ये रिच कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए इसमें इसको लेट होने में कमी कहाँ आ रही? MNV वगैरह है, MNV में थोड़ा स्ट्रक्चर बनने में समय लगता है, जल्दी स्ट्रक्चर बन जाएगा, रोड कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जैसे UPDA तो बना रही है तो सबको पता है UPDA के अकॉर्डिंग बनना है। हाँ, इसके बेनिफिट बताइए, इसके बनने बेनिफिट क्या हैं? ये हमारा जो ये है ये यहाँ पूर्वांचल से आगे जुड़ जाएगा आगे। यहाँ चित्रकूट से है, चित्रकूट से आगे जितनी भी व्यापार में भी इसमें फ़ायदा होगा, लोगों को और भी फायदा होंगे और जो कनेक्टिविटी है इसकी कनेक्टिविटी यहाँ NCR तक जाएगी। अच्छा, पूरा कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो तो हम लोग को पता है ऐसा कि नहीं, चित्रकूट भरतपुर के गोंडा गाँव से इसका स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट तो इसका वहाँ है इटावा के पास है। हाँ सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आपका नाम क्या है? प्रशांत वाजपेयी। वाजपेयी साहब, और आपसे मिलकर बहुत काफ़ी अच्छा लगा है। ठीक है, चलो अब हम लोग का ब्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, अब हम लोग थोड़ा आगे एक लास्ट पॉइंट है वहाँ चलेंगे, उसके बाद ही हमारा ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, हम लोग यहाँ आ चुके हैं बंगरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बंगरा साइड पर आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ पहले थे
पहले हम लोगों ने माइनर ब्रिज देखा, फिर हम लोगों ने मेजर ब्रिज देखा जो कि यमुना का पुल था। अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं बंगरा साइड पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये फ्लाई ओवर बन रहा है, इसका काम काफ़ी तेज़ी चल रहा है, लगता है कुछ ही महीनों बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ से हम सर्विस लेन से होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे और आपको टोल टैक्स पर लेकर चलेंगे, वहाँ टोल टैक्स का काम दिखाएंगे कैसा काम चल रहा है टोल टैक्स का। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग सर्विस लेन में जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर आ चुके हैं। यहाँ अंडर पास का काम चल रहा है क्योंकि फिलहाल रोड का काम तो सारा हो चुका है, सिर्फ स्ट्रक्चर का काम रह गया है जिसमें ब्रिज है, फ्लाई ओवर है, अंडर पास है, ये सब बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को लेकर अभी खुशखबरी एक आई है क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस में 7 जनपद हैं, 7 जनपदों में वन पार्क बनने जा रहे हैं। अब वन पार्क क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जब ये एक्सप्रेस वे बनता है तो जाने कितने सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए ये वन पार्क बनाए जा रहे हैं जिससे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे और इस पर करीब 2-2.5 करोड़ रुपये खर्चा आने वाला है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं टोल टैक्स की तरफ, उसके बाद आगे बताते हैं आगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दूसरी साइड पे आ गए यहाँ, और यहाँ जो काम चल रहा है वो टोल टैक्स का काम चल रहा है आगे, और आगे उसके आगे एक अंडर पास भी बन रहा है। दोस्तों हम लोग का सफ़र लगभग 250 किलोमीटर का हो चुका है क्योंकि जहाँ हम लोग पहले गए थे, तो पहले वाली साइड पर जहाँ हम लोग गए थे मेहोना पे, तो वहाँ तो 4-5 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बन चुका था, उसके बाद आगे रास्ता बंद थी, तो फिर हम लोगों ने दूसरी रास्ता डाली थी, तो फिर हम दूसरी साइड पर गए, फिर हम लोग यहाँ तीसरी चौथी साइड पर आ चुके हैं और काफ़ी यार थक चुके हैं हम लोग। अब हम यहाँ से सीधे घर के लिए रवाना होंगे। दोस्तों आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताइएगा, अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, धन्यवाद।